हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चटोरी रजनी। और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, लंच बॉक्स में सब लोग की क्वेश्चंस होते हैं कि सुबह सुबह लंच बॉक्स में क्या डालें, कैसे डालें। अब मेरी जो भिंडी की सब्जी थी वो इतनी हरी कैसे है और आपने जल्दी कैसे बनाई, सो देयर इज लॉट ऑफ ट्रिक। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप भिंडी खरीदें तो कोशिश करें पतली पतली लें और थोड़ी छोटी लें, क्योंकि जितनी लंबी और मोटी होती है ना, वो अंदर से पकी हुई होती है, कोई फायदा नहीं, उसे फेंकना ही पड़ता है। खैर, इस बार मुझे भी मोटी मोटी मिली है, मैंने कट कर ली, सॉरी मैं खाना भूल गई, मोटी मोटी मिली, लेकिन ये कच्ची कच्ची थी। इनकी टिप को जब आप तोड़ते ना, उससे पता चल जाता है कि कच्ची है या नहीं। और एकदम हरी लें, जरा सा भी ब्लैक स्पॉट्स होगा ना, यानी कि पुरानी भिंडी है, स्वाद नहीं आएगा बढ़िया वाला। तो चलिए अब बनाते हैं टिफिन बॉक्स के लिए, कैसे झटपट में बनाती हूँ भिंडी। ये देखिए, मैंने भिंडी को इस तरीके से काट ली है, आधा कर लिया है, क्योंकि काफी लंबी थी तो दो दो टुकड़ों में मैंने इस तरीके से काटा है। सो ये रफली काट लिया है। अब आपको पता है क्यों बोल रही हूँ मोटी मत लेना, बीज बहुत मोटे होते हैं और अच्छे नहीं लगते, पर अभी मौसम अचानक से बदल रहा है, बारिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सब चीज में फर्क आ रहा है। सो एक बर्तन ले लेते हैं और डाल देते हैं हमारी ये भिंडी। मैं ये देख रही हूँ ना कि जितने बीज ना आए बढ़िया है। ओके, अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी। तो ये मैं टिफिन के लिए बनाती हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है इस तरीके से। वैसे तो मैं भरवा बनाती हूँ, पर भरवा बनाने में भी थोड़ा सा पता है वो मेहनत लगती है ना, कि कट करके मसाले भरो, वो टाइम ले लेता है, तो इसलिए मैं ऐसे काट देती हूँ। और अब ये गया धनिया पाउडर। सो अपनी श्रद्धा से, अपने हिसाब से लीजिए, मैं को थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है मसालेदार खाना, मेरा बेटा भी इस तरीके से, उसे खाने की आदत है। सो लाल मिर्च अब हम इसमें डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक, और अब लास्ट में मैं डालूंगी अमचूर का पाउडर, खूब सारा, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है अमचूर। सो यही मसाले हैं जो हम भरवा भिंडी में भी डालते हैं, और भरवा में नहीं डाल के मैं ऐसे डाल दूँ। अब इसे मैं कर लेती हूँ बढ़िया से मिक्स। सो ये देखिए, ये मैंने बढ़िया से इसे मिक्स कर दिया है, और अब हम करेंगे हमारा कुकिंग स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ गैस पे। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि आपको पता है भिंडी जल्दी से चिपक जाती है, इसलिए हल्का सा मैंने तेल ज्यादा डाला है। ये मामूली सा जीरा, देखने के लिए कि तेल गर्म है कि नहीं। और अब मैं डाल दूंगी हमारी ये भिंडी, आंच को धीमी कर देंगे ताकि भिंडी जले नहीं, फुल आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है। और अगर आप ध्यान दें तो ये सारा मसाला मैंने ऐसे ही परात में रखा है, क्योंकि अगर हम पूरा मसाला अभी साथ में तेल में डाल देंगे ना, तो वो जल्दी से जल जाता है। तो मिनिमल मसाला जो भिंडी पे चिपका है, उसी में हमें भिंडी को करना है कुक। अब इसे मैं बढ़िया से कर देती हूँ मिक्स। सो भिंडी को मैंने बढ़िया से मिक्स कर दिया है, ये देखिए तेल सारा पी गई भिंडी। और अब हम इसे कर देंगे ढक, तो अच्छे से स्प्रेड करके मैं ढक्कन लगा के कुक करती हूँ, ताकि ये फटाफट भी कुक हो जाए और नीचे से जले नहीं, क्योंकि जब स्टीम बन के ड्रॉपलेट्स गिरता है ना, तो जलने के चांसेस कम होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, कोई रंग नहीं उड़ता, फटाफट सुबह 10 मिनट में बन जाती है मेरी भिंडी। सो बीच बीच में ढक्कन हटा के भिंडी को हिलाते भी जाइए, ताकि ये पता चल जाए कि भैया चिपक तो नहीं रही है। अभी फिलहाल कहीं से नहीं चिपक रही है, ढक लगा देते हैं। सो चलिए देखते हैं क्या हाल है हमारी भिंडी का। ये करीब 3 से 4 मिनट मैंने कुक करें, ये देखिए सारा तेल भिंडी ने छोड़ दिया है, यानी कि भिंडी कुक हो चुकी है। रंग आप देखते हैं कितना बढ़िया सा बरकरार है। और आज मुझे टाइम क्यों लगा, क्योंकि थोड़ी सी मोटी थी, पर कच्ची थी, फिर भी जल्दी हो गई। तो जितनी कच्ची कच्ची भिंडी लेंगे उतनी जल्दी ये कुक होगी। ये देखिए बढ़िया से सारी कुक हो चुकी है, और इस टाइम पे ये सारा मसाला मैं डाल के गैस कर रही हूँ बंद, क्योंकि अब कढ़ाई की गर्माहट से ही ये मसाला और भिंडी आपस में घुल मिल के पक जाएंगे। ये देखिए
अगर आपको ज़्यादा मसाला नहीं पसंद तो जो बचा है वो हटा दीजिए, छान के रख लीजिए, अगली बार भिंडी में डाल दीजिएगा, बीज अलग आ जाएंगे छन के। और नहीं तो जैसे मैं बनाती हूँ इस तरीके से, वाव ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गई हमारी यमी वाली भिंडी। और रंग देखिए वैसे का वैसा हरा, और मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर बन गई। लेकिन याद रहे इसका ट्रिक क्या है जल्दी बनाने का, कच्ची कच्ची पतली पतली भिंडी तो बढ़िया बनेगी। तो ये थी हमारी टिफिन की लंच बॉक्स सीरीज वाली भिंडी। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।